चलिए तो हम बनाते हैं अपनी प्लाजो पैंट की बॉटम डिजाइन। तो ये मैंने कुछ पट्टियां ली हैं, देख सकते हैं आप, इन्हें मैंने एक 1.5 इंच की पट्टी से ऐसी एक सीधी पट्टी काट कर इसे फोल्ड करके बना है। एक बार ऐसा फोल्ड करेंगे, एक बार ऐसा फोल्ड करेंगे, फिर हम इसे पूरा फोल्ड कर लेंगे, फिर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये थोड़ा ज्यादा है, मैंने 1.5 इंच इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखी थी, लंबाई मैंने 2 मीटर रखी है क्योंकि दोनों पैरों के लिए चाहिए हमें डिजाइन, तो 2 मीटर हमारा लग गया, 2 से ज्यादा ही होगा। और जो हमारे बॉटम की डिजाइन है ये 16 इंच है, ये बॉटम की चौड़ाई है जो 16 इंच है। और फिर हमने एक पेपर लिया है 16 इंच का, ये हमने अभी बॉटम के साइज का पेपर ले लिया है। अब हम इस पर ये पट्टियां रखेंगे, एक एक शुरू करेंगे, एक ऐसा रखेंगे ऐसा, फिर हम इसे स्टिच करेंगे, इसे हम पेपर पर स्टिच करेंगे। देखिए तो हम स्टिच करते हैं, आप देख सकते हैं हम कैसे स्टिच कर रहे हैं। तो सिलाई लगाते जाएंगे हम, एक हमने सिलाई लगाई हुई है, फिर उसके बाद आगे की तरफ लगाएंगे, फिर से इसे ऐसा रखेंगे, फिर दूसरा रखेंगे, पहले हम इसे अलग कर लेंगे क्योंकि हमने यहां से शुरू करना था और यहां से कर दिया, तो हम इस तरफ आ जाएंगे। तो फिर से हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे घर से, हम अपनी सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे हम करते जाएंगे, यहाँ लास्ट तक कर लेंगे, यहाँ तक अपनी, और उसके बाद हम इस तरफ पीप सिलाई चला देंगे। जब हमारा इस तरफ का कंप्लीट हो जाएगा तब तो हम उस तरफ भी एक सिलाई चला देंगे। तो हम ऐसे सारे में सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सारी पट्टियां लगा ली हैं, देखिए ये ऐसी लगी हुई है, पूरे पेपर पर जितना चौड़ा हमने लिया था उस पर लगा ली है। अब हम अपने इसे बॉटम से अटैच करेंगे, तो बॉटम को हम सीधा रखेंगे, ये उल्टा नहीं रखेंगे, इसे सीधा कर लेंगे, इसकी सीधी साइड रखेंगे और फिर हम ऐसे ऐसा रख लेंगे। के बाद हम इसे जोड़ेंगे तो हम इसे अंदर की तरफ कर देंगे, इसे उल्टा करेंगे, ये हमारा सीधा रहेगा और ये डिजाइन है ना जो वो हम सीधी रखेंगे, फिर बाद में हम इसे पलट देंगे, यहां से यहां तक मिलाएंगे, थोड़ा ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए अब हम सिलाई लगा लेते हैं इस पर अपनी, सीधी सिलाई चलाना है, ये आप ध्यान में रहे कि ये पट्टियां हमारी साथ में स्टिच होती जाए, छूटे ना, तो हम इस पर स्टिच करेंगे। अब हमने अपनी सिलाई लगा ली है, ये सीधी सिलाई, अब हम
हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए पलटने के बाद कुछ ऐसा आएगा। तो अब हम इस पर भी सिलाई लगाएंगे एक टॉप स्टिचिंग ऊपर से फिनिशिंग स्टिच देने के लिए और इसे पक्का करने के लिए। देखिए आप कि हम सिलाई लगाते हैं अपने टॉप पार्ट पर। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। नीचे की जब हम बॉटम की पट्टी अटैच कर लेंगे उसके बाद इस पेपर को हटा देंगे। तो चलिए हम अपनी नीचे की पट्टी को अटैच कर लेते हैं। वो भी हमने 2 इंच की काटी हुई है और इसी साइज में 16 इंच की चौड़ाई रखी है और कट करेंगे और कट करी हुई है उस पर हम अटैच कर लेंगे इस तरफ से इस तरफ तक। ये हम अपनी पट्टी जोड़ रहे हैं। इसे भी हम उल्टा रखेंगे। सिलाई लगने के बाद हम इसे नीचे की तरफ मोड़ देंगे। इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे। ये ध्यान रहे कि पट्टियां हमारी साथ में आती जाएं क्योंकि वापस से टर्न करेंगे और फिर हम इधर एक सिलाई लगाएंगे। वापस से हम यहाँ एक सिलाई लगाएंगे टॉप स्टिच फिर से यहाँ लगाएंगे। ये हमने नीचे की तरफ भी टॉप स्टिच कर ली है। तो ये हमारा ऐसा हुआ है रेडी। अब हम इसमें एक पॉम पॉम लेस अटैच करेंगे। हम इसे पलट लेंगे। अब हमें लेस लगानी है तो हम लेस को अटैच करेंगे। सीधा रख लेंगे अटैच कर देंगे। तो ये हमें अपनी ऐसी लेस करनी है। ये नीचे की तरफ जो नीचे की तरफ आए ये पट्टी हमें दिखाना नहीं है। जो इस लेस में ये पट्टी है जो लेस है ऊपर की सिर्फ हमें ये पॉम पॉम नीचे की तरफ दिखानी है अपने। तो हम इसे ऐसा रखेंगे
और ये पट्टी हमें फोल्ड हो जाए, हमें ऐसा रखना है इसे। तो अब हम रखते हैं अपने सही तरीके से, कैसे रखते हैं, अब हम इसे अपनी सीधी साइड पर रखेंगे और सही तरीके से, जैसे हम बता रहे थे कैसे सही तरीके से कैसे रखेंगे, तो ये हमने अपना बॉटम सीधा रख लिया है। अब हम इस लेस को इस तरफ ऐसे रखेंगे, जिससे ये हम इस पर सिलाई चलाने के बाद ये ऐसे टर्न हो जाएगी। ऐसा हमें इसे टर्न कर देंगे बाद में, तो हम इसे सिलाई चलाते हैं। अच्छे से सिलाई चलाना सीधी, कंप्लीट हो गई है। लेस को हम कट कर लेंगे, अब हम इसे वापस से ऐसा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम अपनी थोड़ा एक्स्ट्रा सा फोल्ड करेंगे, जिससे हमारी लेस है जो नीचे की तरफ दब जाए। फिर से एक बार टॉप स्टिच देंगे, देखिए थोड़ी थोड़ी क्रीज दिख भी जाएगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा मेन था वो हमारा अंदर की तरफ हो गया है, जो हमें नहीं दिखाना है। नीचे की थोड़ी थोड़ी सी डिजाइन दिख रही है, इससे एक अच्छी डिजाइन क्रिएट होगी। थोड़ा आराम से लगाएं, तो ये हमने अपनी सारी सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पेपर को हटा देंगे, लग कर देंगे पेपर को। हमने देखो पेपर को अलग कर लिया है। अब हम इसमें एक एक मोती अटैच करेंगे इसके सेंटर में, यहाँ ऐसे। इसी अटैच कर लेंगे और इसी कलर के थ्रेड से सारे सेंटर में हम रख देंगे एक एक मोती और इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा अब रेडी हो गया है। देखिए हमारी ऐसी मोहरी डिजाइन बनकर तैयार हुई है, बहुत ही इजी तरीके से बनाई हुई है ये, आप देख सकते हैं।